सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब भाई। होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो बहुत सही वाली होने वाली है, क्योंकि हम आई थिंक इसकी मिलती जुलती वीडियो पहले देखी है या नहीं देखी है मुझे याद नहीं रहा है, बट वीडियो का टाइटल बहुत कमाल का है, पीपल हु चैलेंज अल्लाह एंड रिस्टोर्ड, कि खुदा को चैलेंज किया उसके बाद भाई खत्म हो गए। तो हमने ऐसी कुछ वीडियोस देखी हैं भाई, चाहे आप उनको समझ लो जो हज़रत लूत की जो कौम थी या कुछ ऐसे जो भी कौम थी, आप सभी को भाई कौम आद, कौम समूद, ऐसे ऐसे उनको समझ लो, बट हम देखेंगे रियल लाइफ में पब्लिक जो आज के ज़माने में जो कैमरे में कैप्चर हुई है वो चीज़ हम कैमरे में नहीं देख पाए, जिस चीज़ देखें। हाँ, सो बाकी उस प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, देखते हैं कौन ऐसे भाई बदनसीब लोग थे। Assalamualaikum दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड दीन इस्लाम की बेहुर्मती करके कैसे बर्बाद हुआ था, और क्या आपको पता है कि जस्टिन बीबर ने जब हिजाब का मजाक बनाया तो इसका चेहरा कैसे तबाह हुआ, और क्या हो अगर कोई रैपर खुदा होने का ही दावा कर दे। वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह को चैलेंज करके बर्बाद होने वाले बदबख्त तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। क्रिस टाइसन। दोस्तों अगर आप मिस्टर बीस की वीडियोस देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा होगा। इसका नाम क्रिस है और ये मिस्टर बीस का बेस्ट फ्रेंड था। ये मिस्टर बीस की ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही फीचर होता था, लेकिन फिर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया और इस बदबख्त ने इस्लाम के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट की जिसमें इसने कुरान मजीद की तालीमात की तोहीन की थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मुनाफिक ने इस्लाम को ओल्ड बैकवर्ड रिलीजन कहा, और इसका कहना था कि इस्लाम सबसे नफरत करता है, इसमें औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, और इसने ट्वीट में लिखा कि पता नहीं क्यों लोग इस्लाम कबूल करते हैं। खैर इस बेवकूफ की इन बेमकसद और नफरत भरी ट्वीट से दुनिया के मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पर असल में इसने अल्लाह ताला के दीन को चैलेंज किया था तो इसका बेड़ा गर्क तो होना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या। जब इसने दीन इस्लाम की तोहीन की तो इसके बाद इसका दिमाग खराब हो गया। इसकी वाइफ और एक बच्चा भी था जिसका नाम टकर है। इसने सबसे पहले अपनी बीवी को तलाक दी और अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया। इसके बाद जब ये मिस्टर बीस की वीडियो में आता तो लड़कियों वाली हरकतें करता, और इवन इसने अपने बाल भी लंबे कर लिए थे। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसने अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई और अपने आप को लड़के से एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि इस बंदे की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन जब ये एक शीमेल बना तो ये इंटरनेट का सबसे नफरत भरा पर्सन बन गया। इवन मिस्टर बीस ने भी इसे अपनी वीडियो में लाना बंद कर दिया। इस बदबख्त ने कुरान और इस्लाम को चैलेंज किया था और अल्लाह ताला ने इसे मर्दान की इज्जत, शोहरत, बीवी, बच्चा सब कुछ छीन लिया, और अब ये बंदा एक खुसरा बनकर जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। जस्टिन बीबर। दोस्तों जस्टिन बीबर कनाडा के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसका कोई ना कोई गाना सुना होगा। जस्टिन ने 13 साल की उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मजे की बात यह है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा डिसलाइक्स आए हैं वो जस्टिन बीबर की एक गाने की वीडियो थी। फरवरी 2010 में इसने बेबी नाम का एक सॉन्ग अपलोड किया था जिस पर उस वक्त 14 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स आए थे। एनीवे रिसेंटली रशिया के एक इलाके यूटा में जस्टिन का एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। इसमें जब जस्टिन ने एंट्री की तो इसने मुसलमान औरतों की तरह स्कार्फ पहना हुआ था। बेसिकली ये हिजाब की इंसल्ट थी। इस पागल ने बाकायदा स्कार्फ करके गाने गाए और डांस भी कर रहा था। जस्टिन की इस हरकत पर मुसलमान कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसे हेट मिला, और इवन इसके मुस्लिम फैंस भी इससे नफरत करने लगे। खैर इसने ये बेहुदा हरकत करके मुसलमान औरतों का मजाक तो बना लिया था, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो वाकई में इबरत नाक था। हिजाब का मजाक बनाने के कुछ ही अरसे बाद एक दिन अचानक जब ये सुबह उठा तो इसके चेहरे पर फालिज पड़ चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा ना तो स्माइल कर सकता था और ना ही अपनी आंखें ब्लिंक कर सकता था और ना ही इसका चेहरा हरकत करता था। असल में एक अनयूजुअल वायरस ने इसके फेशियल नर्व्स पर अटैक कर दिया था, जिससे इसके चेहरे की एक साइड टोटली पैरालाइज हो गई थी। हैरानगी की बात यह है कि जब इसे फालिज पड़ा तो इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, और इस उम्र में ये केस होना बहुत ही रेयर था। असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए सजा और बाकी लोगों के लिए इबरत है।
एमोस ये दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम एमोस है और ये एक यूट्यूबर था जिसका ताल्लुक सिंगापुर से है। ये बचपन से ही यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता था लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसकी अकल घुटनों में चली गई। इसने फेम हासिल करने के लिए बहुत सी घटिया हरकत की जिनमें इस्लाम की तोहीन भी शामिल थी। 2015 में इसने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें इसने कुरान मजीद उठाकर न सिर्फ इसकी तोहीन की बल्कि अपनी नाकस अकल के मुताबिक इस्लाम को गलत साबित करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में इसने बहुत सी बकवास की और इस्लाम के खिलाफ अपने अंदर मौजूद जहर को बाहर निकाला। इसके अलावा भी ये कई शैतानी हरकतों में मुलव्वस था। खैर पहले तो इसका चैनल काफी ग्रो हुआ और इसने 50,000 सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए, पर चंद ही हफ्तों बाद जब इसकी हरकत वायरल हुई तो इसे सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस आ गया। एमोस यी को इसके यूट्यूब वीडियो की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। इस पर 6 चार्जेस लगाए गए जिनमें रिलीजियस हेट भी शामिल था। सबसे मजे की बात है कि जब इसने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये बड़े कॉन्फिडेंस में था और मुंह फाड़कर बकवास किए जा रहा था, लेकिन जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसकी बकरी बैठ गई और ये मीडिया के सामने भीगी बिल्ली बनकर ऐसे चल रहा था जैसे इससे मासूम बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। खैर इसकी मासूमियत जज के सामने नहीं चली और कोर्ट ने इसे जेल की सजा सुना दी। जब ये जेल से वापस आया तो इसका सब कुछ लुट चुका था। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से इसका चैनल टर्मिनेट कर दिया था। इवन फेसबुक और ट्विटर ने भी इसे बैन कर दिया और ये बंदा लावारिस हो गया। जुलाई 2015 की बात तो ये ऐसा गर्क हुआ कि दुनिया को नजर ही नहीं आया। वेल जब बंदा अल्लाह ताला के कलाम को चैलेंज करेगा तो ऐसा तो होगा ही। रेसमस पलूडन, दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत से शैतान सिफ्त लोग और मुसलमानों के दुश्मन मौजूद है, लेकिन इस जैसा मनहूस बंदा आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस शैम्पू का नाम रेसमस है और इस लॉलीपॉप का ताल्लुक डेनमार्क से है। वैसे तो ये एक पॉलिटिशियन है लेकिन जब इसे पॉलिटिक्स में किसी ने घास नहीं डाला तो इसने इस्लाम को टारगेट करके लोगों की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। ये वो बदबख्त है जिसने माजल्ला कुरान मजीद को जलाकर इस्लाम से अपनी नफरत का इजहार किया। इसकी डिमांड ये थी कि डेनमार्क और स्वीडन से इस्लाम को खत्म किया जाए। 14 अप्रैल 2022 को इस मालून ने स्वीडन के शहर नॉरकोपिंग में कुरान मजीद की बेहरमती की और इसे आग लगा दी। जब इसने ये हरकत की तो वहाँ मौजूद तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए और इन्होंने पूरे स्वीडन को आग लगा दी। मुस्लिम कम्युनिटी इतने जलाल में आ गई थी कि पुलिस वाले डर से इनके करीब भी नहीं जाते थे। खैर इसकी हरकत से पूरा स्वीडन मैदान जंग बन गया था। पुलिस ने इसे रेसिज्म के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इसकी इस हरकत की वजह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि 90% डेनिश लोग भी इससे नफरत करने लगे। जेल से निकलने के बाद ये अपनी जिल्लत के मारे फ्रांस भाग गया, लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी वायलेंस के डर से इसे अरेस्ट कर लिया और अपने मुल्क से डिपोर्ट कर दिया। खैर इस हरकत के बाद रेसमस ऐसा जलील हुआ कि इसकी पॉलिटिक्स और मुल्क दोनों में कोई इज्जत नहीं रही। मजे की बात यह है कि ये शापर लोगों को इकट्ठा करके इन्हें इस्लाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसे पागल समझकर इग्नोर कर देते थे। 3 महीने पहले इसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए फिर से वही ड्रामा करने की कोशिश की, पर इसकी बकवास सुनने एक भी बंदा नहीं आया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुसलमानों के डर से हेलमेट पहनकर एक दर्जन पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में एहतजाज कर रहा था, पर इसकी बात सुनने एक भी शख्स नहीं आया। अब इससे ज्यादा बड़ी जिल्लत और भला क्या हो सकती है। XXXTentacion, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये अमेरिकन रैपर था। ये सिंगर इतना पॉपुलर था कि इसके यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट 39 मिलियन सब्सक्राइबर थे और इसके कई गानों ने तो 1 बिलियन व्यूज को भी क्रॉस किया है। लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान इस बंदे ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। इसने दावा किया कि आज से 1 साल के बाद लोग मेरी इबादत करेंगे। इट मीन्स कि ये अपने आप को खुदा का दर्जा दे रहा था। बहुत से लोगों के मुताबिक ये रैपर शैतान की इबादत करता था और इसने अपनी सोल को शैतान को बेच दिया ताकि ये क्विक फेम हासिल कर सके। एनीवे इसने ये इंटरव्यू मिड 2017 में दिया था और 18 जून 2018 में ठीक 1 साल के बाद इस रैपर की डेथ हो गई। हैरानी की बात यह है कि इसकी ये मौत बाकायदा सीसीटीवी कैमरे पर भी कैप्चर हुई थी। ये अपनी गाड़ी में जा रहा था तो 2 लोगों ने इसकी गाड़ी रोककर इसे कत्ल कर दिया था। मिस्टीरियस बात यह है कि इसकी डेथ ठीक 1 साल के बाद हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी मौत के बाद इसके YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें ये रैपर खुद अपना फ्यूनरल अटेंड कर रहा था। ये बेसिकली एक म्यूजिक वीडियो थी, पर सोचने की बात ये है कि इसने ये म्यूजिक वीडियो कब बनाई होगी। बहरहाल जो भी हो, जब बंदा शैतान को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।
सो गाइज ये थी वीडियो की पीपल हु चैलेंज अल्लाह एंड डिस्ट्रॉयड। हमने 3, 4, 5 एग्जांपल देखे हैं इस चीज़ की और आई थिंक लास्ट वाला तो बड़ा ही खतरनाक था, है ना। मुझे वही लगा आई थिंक सबसे ज़्यादा खतरनाक कि वो सबको कहता कि मैं खुदा हूँ, सब मेरी कुछ टाइम के बाद सारे मेरी इबादत करेंगे, तो उसके साथ मतलब ये ऐसा हुआ। यहाँ तो हमें मना करते हैं कि एक दूसरे इंसान की भाई बुराई ना करो, उन्हें तो ही ना करो उनकी, ये तो फिर खुदा तो भाई बहुत बड़ी चीज है और बहुत दूर की बात है कि हम उनके बारे में गलत सोचे या कुछ पे, और लोग भाई चैलेंज करते हैं। हाँ सही बात है, हमें बनाया है वो हमें कभी भी बिगाड़ सकते हैं, जो बना सकते हैं, जैसे कहते हैं कि जो जन्म दे सकते हैं वो मार भी सकता है, वही चीज है जिसने बनाया है इस कायनात को बनाया है भाई, वो एक सेकंड में ऐसे करे ऐसे पूरा धरती तबाह, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। सो बाकी तो ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।